हेलो गाइज, वेलकम टू टेक बज। अगर आप एक अफोर्डेबल रेट में ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच लेना चाहते हैं विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, प्रीमियम डिजाइन एंड कर्व डिस्प्ले, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ हैमर पोलार का। ये अभी रिसेंटली ही लॉन्च हुई है, तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करूँगा, जिसमें मैं कवर करूँगा इसके फीचर्स, माइक और साउंड क्वालिटी को, और आपको बताऊँगा ये वॉच कैसी है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हैमर पोलार का बॉक्स। बॉक्स पर टॉप में है इसका ब्रांड नेम और मॉडल नेम हैमर पोलार। इसमें 2.01 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले दिया है। नीचे है टैगलाइन री इमेजिनिंग लाइफस्टाइल, और सेंटर में वॉच का इमेज है। साइड में मेंशन है इसके की फीचर्स, जैसे इसमें आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स, वॉइस असिस्टेंट और ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है। इसमें डिजिटल रोटेटिंग क्राउन, 100+ वॉच फेसेस और ड्यूल कनेक्टिविटी मोड है। बैक में मेंशन है इसके स्पेसिफिकेशंस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और प्राइस। बॉक्स पर इसकी प्राइस है 599, बट आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीदेंगे तो आपको ये लॉन्च ऑफर में 1299 में मिल जाएगी। अब बॉक्स ओपन कर लेते हैं। इस पर सील नहीं है, क्योंकि हमने पहले इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए ओपन कर लिया था। बॉक्स में सबसे पहले है हैमर पोलार का डायल प्लास्टिक रैप में, आइस ग्रे कलर में। नेक्स्ट है बीज कलर का बैंड। ये मैग्नेटिक पॉइंट चार्जिंग केबल दिया है वॉच को चार्ज करने के लिए। इस पर 6 मंथ्स की वारंटी है, और कार्ड के स्टेप्स को फॉलो करके एडिशनल 2 मंथ्स वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं। यूजर मैनुअल का QR कोड दिया है, बाकी एक 500 रुपीज़ का कूपन कोड है। इसमें 2.01 इंच का IPS HD डिस्प्ले दिया है, जो इस रेंज में आई थिंक सबसे बड़ा है, एंड विद 240x296 पिक्सल्स। इसलिए डिस्प्ले शार्प एंड वाइब्रेंट है। टच रिस्पॉन्स भी अच्छा है, UI भी काफी हद तक स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता स्क्रोलिंग के वक्त। फ्रंट में बेजल्स भी काफी कम है, और कर्व कॉर्नर्स की वजह से काफी प्रीमियम लुक देते हैं। साइड फ्रेम पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का है, जिस पर है वर्किंग क्राउन बटन, जिससे वॉच फेसेस और वॉल्यूम चेंज और यूजर इंटरफेस में स्क्रोलिंग कर सकते हैं। बैक में है मैग्नेटिक चार्जिंग पॉइंट और इसके हार्ट रेट और SPO2 सेंसर्स। इसे फुल चार्ज होने में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटा लगता है। बाकी इस साइड में माइक है, और दूसरे साइड में है स्पीकर फॉर म्यूजिक एंड कॉलिंग। स्ट्रैप के लिए स्किन फ्रेंडली सॉफ्ट और ब्रीदेबल मटेरियल का इस्तेमाल किया है, और इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये स्ट्रैप्स डिटैचेबल है, तो आगे जाकर आप इसमें दूसरे कलर या पैटर्न के स्ट्रैप्स भी अटैच कर पाएंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। इस आइस ग्रे कलर में वॉच काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी हद तक एप्पल वॉच सीरीज 9 जैसा लुक देती है। डिस्प्ले इंडोर्स में तो काफ़ी अच्छा है, साथ में 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस की वजह से डिस्प्ले आउटडोर में भी अच्छा खासा विजिबल रहता है। और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया है, जिससे आप कितने देर तक या फिर हमेशा ऑन रखना है उसे सेट कर सकते हैं, और आपके वॉच फेस के हिसाब से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का लुक चेंज होता है। हैमर पोलार IP67 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है, तो हल्के फुल्के वाटर ड्रॉप या फिर स्वेट से इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसमें काफ़ी सारे एडिशनल वॉच फेसेस भी दिए गए हैं, जो मैं आगे बताऊंगा। होम स्क्रीन पर टॉप से स्वाइप करने पर शॉर्टकट बटन्स है, जिससे ब्लूटूथ सेटिंग्स, ब्राइटनेस, स्पोर्ट्स मोड, मेनू स्टाइल और म्यूजिक मोड। लेफ्ट कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो रिसेंटली ओपन ऐप्स देख सकते हैं, प्लस वेदर, टाइम, डेट और पेयरिंग का QR कोड भी दिया है। बॉटम से स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। राइट से स्वाइप करने पर मेनू एक्सेस होता है। इसमें 5 UI स्टाइल्स है, जैसे पहला है ये 4-आइकॉन ग्रिड स्टाइल, जो काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट है 9-आइकॉन ग्रिड स्टाइल, जिसमें सिर्फ 9 ही आइकॉन्स पर पेज पर डिस्प्ले होते हैं, और स्क्रोल करके दूसरा आइकॉन देख सकते हैं। नेक्स्ट है एप्पल वॉच जैसा UI, जो काफ़ी अच्छा दिखता है। नेक्स्ट है लिस्ट स्लाइड, जिसमें सभी ऑप्शंस लिस्ट वाइज विजिबल रहते हैं, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स के नाम सामने ही विजिबल है। उसके बाद लास्ट है ये ब्लॉक लिस्ट स्टाइल। अब फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें डेडिकेटेड डायल पैड मिलता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहने पर आप डायरेक्टली यहीं से नंबर डायल करके कॉल कर सकते हैं, या फिर इसमें कॉन्टैक्ट्स भी सिंक होते हैं, तो आप डायरेक्टली कुछ कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, और टोटल 50 कॉन्टैक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद इसमें आप कॉल लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैसेजेस ऑप्शन है, जिसमें आपके सभी ऐप्स के नोटिफिकेशंस, जैसे टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सभी के नोटिफिकेशंस आते हैं, लेकिन रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता। पेडोमीटर ऐप में आप अपना स्टेप काउंट, स्टेप गोल, डिस्टेंस कवर्ड और कितने कैलोरीज बर्न किया है, ये सारी चीज़ों का ट्रैक रख सकते हैं। इसमें स्लीप मॉनिटर भी मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कितने देर तक और कितनी गहरी नींद में सोए थे, और इसकी डिटेल रिपोर्ट फोन में दिखती है। सेडेंटरी रिमाइंडर से आप कितने देर से रेस्ट कर रहे हैं उसका ट्रैक रहता है, और अगर आप काफ़ी देर से आइडल बैठे हैं बिना कोई मूवमेंट के, तो सेडेंटरी रिमाइंडर से वॉच आपको कुछ एक्टिविटी करने के लिए याद कराएगी। फाइंड माई फोन को क्लिक करने पर फोन रिंग होना शुरू हो जाता है, और बंद करने के लिए ऐप से फाउंड फोन पर क्लिक करना पड़ता है। और आप इस वॉच को एज एन अलार्म क्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, और अलार्म्स आपको फोन के थ्रू ऐड करने पड़ेंगे। सेटिंग्स में पहले तो है ब्राइटनेस का ऑप्शन, ब्राइटनेस में 5 लेवल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है रेस टू वेक का फीचर, जिससे हाथ अपने तरफ ट्विस्ट करने पर डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। वॉच का डिस्प्ले बिना टच के कितने देर तक ऑन रहना चाहिए उसका स्क्रीन टाइम भी आप सेट कर सकते हैं। मैक्स 60 सेकेंड्स का ऑप्शन है। उसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अनवांटेड नोटिफिकेशन से बचने के लिए। नोटिफिकेशन में वाइब्रेशन चाहिए या फिर नहीं, वो भी आप सेट कर सकते हैं। लैंग्वेज भी आप सेट कर सकते हैं वॉच की, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो वॉच पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं, ताकि कोई भी आपकी वॉच को एक्सेस ना कर सके।
नेक्स्ट आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन या ऑफ कर सकते हैं और उसका टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि कितने देर तक या फिर हमेशा ऑन रखना है। अबाउट में वॉच का मॉडल नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन और मैक एड्रेस विजिबल है। बाकी आपको वॉच को रिबूट, रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स और शटडाउन करने का ऑप्शन मिलता है। QR कोड में जाएंगे तो इसमें हेरिफाइन या राइफाइन जो आप कहना चाहें उस ऐप का QR कोड दिया है और ये iOS और Android दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें 19 स्पोर्ट्स मोड्स है जैसे बैडमिंटन, टेनिस, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, हॉकी, रनिंग, स्किपिंग एंड मेनी मोर। आप नीचे से एक्सरसाइज को प्ले, पॉज या स्टॉप कर सकते हैं और एक्सरसाइज के हिसाब से टाइमिंग, किलो कैलोरीज बर्न्ड और डिस्टेंस कवर्ड जैसी डिटेल्स विजिबल रहती है। नेक्स्ट है हार्ट रेट मॉनिटर। इसे ऑन करने पर पीछे सेंसर ऑन हो जाता है और इसमें आपको मैनुअली हार्ट रेट चेक करना है या फिर टाइम टू टाइम चेक करते रहना है ऑटोमेटिकली। उसको ऑप्शन फोन से सेट करना पड़ता है। उसके बाद है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। वॉचेस में ये सब सेंसर तो होते हैं बट पूरी तरह इन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, एक्चुअल मेडिकल इक्विपमेंट को ही फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड ऑक्सीजन ऑप्शन जो आजकल काफ़ी काम में आता है। फोन से पेयर होने के बाद आपके सिटी का वेदर इसमें विजिबल रहता है। वॉच को आप ऐसे टाइमर स्टॉप वॉच भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कैलकुलेटर भी दिया है जिसे आप डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बार बार फोन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरी में जाएंगे तो आपके फोन का वॉइस असिस्टेंट जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट होता है और आप वॉच के माइक से ही कमांड दे सकते हैं। ब्रीथ मोड में जाएंगे तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज दी गई है रिलैक्स होने के लिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप्स के नोटिफिकेशन के लिए सेपरेट ऐप्स भी है। ड्यूअल कनेक्टिविटी मोड ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन है, मतलब आप स्मार्ट वॉच और TWS ईयरफोन्स को साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन उसके लिए है। वॉच के थ्रू आप म्यूजिक को प्ले, पॉज या सॉन्ग को स्किप भी कर सकते हैं। वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज भी होता है क्राउन से। और जब वॉच ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है तब इसके स्पीकर से म्यूजिक भी सुन सकते हैं। साउंड क्वालिटी काफ़ी लाउड है एंड अच्छी खासी क्लियर है। नेक्स्ट है BT कैमरा, जिसे ऑन करने पर फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाता है और आप स्मार्ट वॉच को शेक करके स्मार्टफोन से फोटो खींच सकते हैं। फोटोज़ गैलरी में सेव होते हैं। जब कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आएगा विथ वाइब्रेशन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे सपोर्टेड ऐप्स का। कॉल आने पर डिस्प्ले पर कुछ आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा विथ वाइब्रेशन। आप कॉल को पिक या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब इस पर कॉल आ रहा है, तो इसके माइक और स्पीकर को चेक कर लेते हैं। हेलो, अभी मैं एक हैमर की स्मार्ट वॉच का माइक और साउंड क्वालिटी टेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा साउंड क्लियर आ रहा है? हाँ, साउंड क्लियर है। पीछे कोई बैकग्राउंड नॉइज वगैरह? नहीं नहीं, बिल्कुल। साउंड अच्छा खासा लाउड है ना? हाँ, नहीं, नहीं। कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है ना? नहीं नहीं। ओके। फ़ोन से पेयर करने के लिए आपको राइफाइन ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। टॉप में है आपका स्टेप काउंट, डिस्टेंस कवर्ड, किलो कैलोरीज बर्न्ड और डेली गोल के डिटेल्स। सारा वीकली, मंथली, ईयरली डेटा आपके फ़ोन में या फिर क्लाउड पर स्टोर होता है। आपकी पूरी एक्टिविटी डिटेल्स यहाँ पर विजिबल है, जैसा आपका हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ब्लड ऑक्सीजन लेवल, सभी की टाइमली रिपोर्ट्स फ़ोन और क्लाउड में दिखती है। आप यहीं से डायरेक्ट इन सभी चीज़ों को स्कैन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लीप मॉनिटर, जिसकी डिटेल रिपोर्ट में लाइट स्लीप, डीप स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट और स्लीप ड्यूरेशन की रिपोर्ट है। आपका सारा स्पोर्ट्स रिलेटेड डेटा इसमें सेव्ड रहता है। डेटा में हेल्थ और एक्सरसाइज रिलेटेड डेटा वीक, मंथ और ईयरली वाइज ग्राफ में विजिबल रहता है। आप फोन से वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज़ का ट्रैक डायरेक्टली रख सकते हैं और इसमें इन ऐप GPS यूज़ होता है। मी सेक्शन में सबसे पहले ऊपर पेयर डिवाइस का नाम और बैटरी विजिबल होती है। उसके बाद है डिवाइस सेटिंग्स, जिसके अंदर है पहला फाइंड डिवाइस का ऑप्शन, जिसे ऑन करने पर वॉच वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है मैसेज रिमाइंडर, आपको वॉच पर किन ऐप की नोटिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेडेंटरी रिमाइंडर का ड्यूरेशन, एक्टिवेट होने की टाइमिंग और डे आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह स्लीप मॉनिटर का एक्टिवेशन टाइमिंग भी दिया गया है। हार्ट मॉनिटर को ऑटो एक्टिवेट होने का टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं, जिससे वॉच टाइम टू टाइम आपका हार्ट रेट चेक करती रहेगी। डू नॉट डिस्टर्ब मोड की टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं। बाकी वॉच वाइब्रेशन, 12 या 24 आवर फॉर्मेट, पावर सेविंग मोड, वॉच लेफ्ट हाथ में है या फिर राइट हाथ में, वॉच लैंग्वेज, वॉच टाइम, फैक्ट्री रिसेट और रेस टू फेक फीचर कौन से टाइम ड्यूरेशन में वर्क करना चाहिए उसका ऑप्शन दिया है। डायल में जाएंगे तो माई वॉच फेसेस में डाउनलोडेड फेसेस विजिबल है। उसके बाद डायल मोड में 100+ वॉच फेसेस अवेलेबल है और आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी वाइड वैरायटी मिलती है। तो चाहे आपको फंकी कलरफुल वाले चाहिए या फिर सिंपल वॉच फेसेस, सभी यहाँ पर विजिबल है। फिर आपको अपना वॉच फेस सिलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है और अगर आप चाहे तो कस्टम वॉच फेस जैसे अपने पसंद के किसी भी फोटो को एज अ वॉच फेस अप्लाई कर सकते हैं। फोटो सिलेक्ट होने के बाद फोटो को क्रॉप वगैरह करके सेट करना है, फिर टाइमिंग वगैरह की प्लेसमेंट, कलर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या डिटेल चाहिए लॉक स्क्रीन पर वो भी आप ऐड कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड यूज़ पर क्लिक कर देना है और बस कुछ ही सेकंड्स में आपका कस्टम वॉच फेस वॉच पर अप्लाई हो जाएगा। आप अपना डेली स्टेप गोल यहाँ से सेट कर सकते हैं और यूनिट्स भी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ फोन्स बैकग्राउंड ऐप्स को किल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वॉच पर नोटिफिकेशन आने में इशू आ सकता है। तो आपको यहाँ गाइड फॉलो करके हेरिफाइन ऐप को नो रेस्ट्रिक्शन मोड में डालना है। आपने किस किस चीज़ की परमिशन दी है इस ऐप को वो सिस्टम ऑथोरिटी मैनेजमेंट में देख सकते हैं।
फोन बुक वाले ऑप्शन में आप कुछ कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से वॉच में सिंक कर सकते हैं, जिससे वो कॉन्टैक्ट्स वॉच में डायरेक्ट कॉलिंग के लिए अवेलेबल होंगे। अब बैटरी बैकअप की बात करेंगे तो कंपनी ने 2 दिन क्लेम किया है विद ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर, बट टेस्टिंग के वक्त मुझे 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिला विद ब्लूटूथ कॉलिंग, और बिना फोन को कनेक्ट करके यूज करेंगे तो 2 से 2.5 दिन भी चल जाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू ऑफ हैमर पोलर स्मार्ट वॉच। वॉच प्राइस के हिसाब से काफी फीचर रिच है, बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, लुक्स प्रीमियम है, एंड माइक एंड स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है। अगर आपको ये वॉच बेस्ट प्राइस में खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वॉच कैसी लगी। और अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।